नमस्कार मित्रों, मोरा ब्लॉग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने जो बना हुआ है गेट, दोस्तों सर्वे महामंदिर धाम का उद्घाटन होने वाला है। आइए आपको दिखाते हैं अंदर की तरफ का, जो कि देखने के लिए बने रहिएगा। वीडियो को स्किप ना करिएगा, चैनल में जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जैसे कि आप इधर की तरफ चले जाते हैं, चले जाएंगे आशापुर की साइड दोस्तों, जैसे कि पांडेपुर की तरफ, ठीक है। और यही मैं आपको इधर की तरफ बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप चले जाते हैं इधर की तरफ, चले जाएंगे आप चौबेपुर की तरफ और आजमगढ़ की तरफ दोस्तों। आइए चलते हैं, आपको सर्वे मंदिर का जो है पूरा नज़ारा आपको दिखाते हैं। देखने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल में। देख रहे हैं सामने की साइड दोस्तों, एक बोर्ड भी लगाए गए हैं, जो कि सर्वे महामंदिर धाम के जाने के लिए यहाँ पे लोकेशन लगाए गए हैं, ठीक है। और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में, और काफ़ी ज़बरदस्त वाला तैयारियाँ यहाँ पर चल रही है दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं जो कि सामने गेट बनाए गए हैं, देख रहे हैं बांस का है पूरा बना हुआ। और यही साइड से हम चलते हैं, जो कि आगे चले जाते हैं तो आजमगढ़ चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे तो सर्वे मंदिर के गेट के पास चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि रोड के किनारे दोस्तों, यहाँ पे पूरा आगे से लेकर पूरा बाउंड्री हो रहा है। और इसी किनारे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा हो, जो कि नाला, जो नाला वाला पाइप होता है वो किनारे किनारे लग रहा है दोस्तों पानी आने जाने के लिए, ठीक है। और सामने आपको सर्वे मंदिर दिख रहा होगा, देख रहे हैं पूरे यहाँ पे जो है पत्थर वत्थर रखे गए यहाँ पे। आइए आपको पास ले चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि पूरी तरह से घास बिछाए जा रहे हैं इस पर दोस्तों, देख रहे हैं। और सामने जो कि रेलिंग लगाए जा रहे हैं हरी हरी, देखिए आगे जो है बाउंड्री हो चुका है और उस पर दोस्तों पूरी तरह से जो है रेलिंग लगा दिया गया है। और यह आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि सर्वे मंदिर का जो कि पूरा आकृति मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, 18 दिसंबर को यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो यहाँ पर उद्घाटन करेंगे, ठीक है। और यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और धीरे धीरे यह काम होता रहेगा दोस्तों, और यहाँ पर जो कि नरेंद्र मोदी जी जो है उद्घाटन भी करने वाले हैं, ठीक है। आइए आपको आगे दिखाते हैं, देख रहे हैं अभी फिलहाल में जो कि यहाँ पर गड्ढा खनना जा रहा है, जो कि अभी वहाँ पे भी काम हो रहा है, वहाँ पे भी खनना जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं, देख रहे हैं पूरी तरह जो है घास लगा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। यह कुछ ही दिनों में जो है पूरा बनकर फाइनेंस हो जाएगा। जैसे कि इस पे देख रहे हैं पूरी तरह जो है गिट्टी बिछा दिया गया है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो कि फुहारा करने वाला काफ़ी अजीब टाइप का यह बनाया जा रहा है दोस्तों, देखिए, ठीक है, जो कि जो फुहारा पानी देने वाला होता है यहाँ पे दोस्तों यह बनाया जा रहा है। और इसके ऊपर का जो कि वहाँ पे कटिंग हो रहा है, और काफ़ी सुंदर लगेगा दोस्तों, यहाँ पे बत्ती भी लगाए जाएंगे, ये देखिए, देख रहे हैं, जो कि जो पानी निकलेगा दोस्तों वहाँ पे, जो कि पानी अंदर चला जाएगा वहाँ पे। यह जो दोस्तों गोलम्बर में आपको दिखाई दे रहा होगा बना हुआ, इससे दोस्तों कमल का जो है आकृति दिया जाएगा, इससे पूरी तरह से कमल लगेगा दोस्तों, ठीक है। कमल जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पूरा जो है रखे गए हैं, एक एक पत्ता जो नहीं होता है वही रखे गए हैं यहाँ पे, देख रहे हैं। आइए आपको पास से दिखाते हैं, और ये देखिए यहाँ पे इसको कटिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं पूरी तरह जो कि पौधे भी लगाए गए हैं। और ये रहा सर्वे मंदिर दोस्तों, जो कि आपको सामने दिखा रहा हूँ, जूम करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, देखिए, देख रहे हैं ये मोड़ का पूरा बना हुआ है, मोड़ की तरह, मोड़ का आकृति दिया गया है दोस्तों, जो कि आगे गेट पे या दोनों साइड बना हुआ है, देखिए, देख रहे हैं दोनों साइड बना हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे गड्ढा खना रहा है दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए, जो कि अंदर की तरफ से जो कि मट्टी खन कर निकाल कर ट्रैक्टर पे लाद रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे जो बोरिंग नहीं होता, जो बोरिंग का पानी होता है वहीं जो कि खनना जा रहा है, और उसके नीचे की तरफ से जो पाइप काट दिया जाएगा इसीलिए वहाँ पर खनना जा रहा है, ठीक है।
ये देखिए पूरी तरह से, जो कि रेलिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए डिजाइन, आइए और भी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ढाल दिया गया है अभी, ये दोस्तों हमारे शहर से लग रहा है या पानी टंकी बनने वाला है, ठीक है। जो नाला नहीं होता है वही नाला गया, पानी टंकी बनने वाला है। देखिए ये साइड में आया हुआ है ना नाला, ये देखिए देखिए आया हुआ है ना रोड के किनारे किनारे, या दीवार के सामने दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि ये देखिए पूरे पूरी तरह से ये पत्थर लगाए जा रहे हैं। किनारे किनारे दोस्तों रोड बना दिया गया है पूरी तरह से, ठीक है। और साइड साइड में पूरी तरह से पौधे भी लगा दिया गया है, पूरी तरह से पौधे भी लगा दिए गए दोस्तों। आइए आपको और आगे ले चलते हैं। वाकई दोस्तों काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में, देख रहे हैं आप लोग, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में पूरी तरह से। जैसे कि आप उधर की साइड देख रहे हैं कि पूरी तरह से वो भी मकान बना दिया गया है, और हमारे हिसाब से लग रहा है दोस्तों वहाँ पे जो कि काम बहुत ही बढ़िया होने वाला है, ठीक है। ये सारा जो है तोड़कर बना दिया गया है, देख रहे हैं पूरी तरह से बना दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो कि साइड में जो यह घेरा हुआ है ईटा का, ये देख रहे हैं पूरी तरह से यह लाइन से बना दिया गया है, और आगे तक का जो है नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। और उसके नीचे दोस्तों ये देखिए पूरी तरह से यहाँ पे पत्थर भी लगाए जा रहे हैं, और यहाँ पे भी लगाए जा रहे हैं, और ऊपर साइड पूरी तरह से लगा दिया गया है, ठीक है। आइए आपको आगे ले चलते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। और पूरी तरह से चारों लंग से यह रोड बना दिया गया है, ये देख रहे हैं इस पर भी जो है पत्थर लगाए जा रहे हैं पूरी तरह से। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पूरी तरह जो कि यह ईटा साइड साइड से यह बिछाया जा रहा है दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग। देख रहे हैं किनारे किनारे पूरी तरह से पौधे लगाए गए हैं, ये देखिए। और यहाँ पे तीनों मशीन चल रहा है दोस्तों, दो आगे चल रहा है और एक यहाँ पे देखिए चल रहा है। और आपको बांस दिख रहा होगा जो कि साइड से पूरी तरह से बांस निकाल दिया गया है, और उधर की साइड भी बाकी है फिलहाल में। और काम बहुत तेज़ी से हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। ये जो आपको खंडहर सारा दिख रहा होगा ये पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए जो कि दोनों मशीन जो है आगे की तरफ पत्थर ले जा रही है दोस्तों रखने के लिए, ठीक है। ये देख रहे हैं इधर साइड अभी घास नहीं लगा हुआ है, और यह पूरी तरह से लग जाएगा, जो कि आगे खाद छिड़का जा रहा है। ये देखिए दोस्तों घास का दवाई, ये देख रहे हैं अंदर की तरफ अभी बन रहा है, पूरी तरह से बना नहीं है नीचे की तरफ, यह पूरा बनने में थोड़ा वक्त बाकी है दोस्तों। पूरी तरह से बन जाएगा तो काफ़ी सुंदर लगेगा देखने में। ये देखिए और साफ सफाई का दोस्तों काफ़ी ध्यान रखा गया है यहाँ पे।
देख रहे हैं साफ सफाई काफ़ी ध्यान रखे गए आगे दोस्तों। और अगले हफ्ते का तो हमारा सब देखिए अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार का बना हुआ है और बनने के बाद दोस्तों काफ़ी सुंदर लगेगा। ठीक है अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो कि सफाई भी हो रहा है यहाँ पे। आइए बाहर चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यह पूरी जो ट्रक आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि बालू पीछे होने के कारण आगे का खाली हो गया है इसलिए उड़ गया दोस्तों पूरा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है तो ठीक है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन को दबाना नाम लगे दोस्तों तब तक के लिए हर हर महादेव के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा।